टू सी, ओके, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो पहला यूनिट वेक्टर को हम मान लेते हैं ए कैप और दूसरे यूनिट वेक्टर को हम मान लेते हैं बी कैप। तो उसने क्या कहा है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, दो वेक्टर के सम का, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है जिसको हम मान लेते हैं सी बार। ये पहले सेंटेंस का मतलब हुआ, दो यूनिट वेक्टर का सम एक तीसरा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, इसके कोई माने मुझे बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस यानी क्या, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, क्या बात है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, ठीक है जी, चलो मुझे उतनी इंग्लिश आती नहीं है फिर भी मैं ट्राई करता हूं। तो इसको क्या लिखू मैं, क्रूएल ऐसे लिखते ना, जुल्म जिसको बोलेंगे, जो भी बोलते, ठीक है। ऑनेस्टी ऑफ ए बॉय, इसको आप बोलेंगे क्या, लड़की की ईमानदारी या ईमानदारी का लड़का। क्रुएल्टी ऑफ किंग, बादशाह का जुल्म या जुल्म का बादशाह। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस यानी क्या, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है ना, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो हमको पहले डिफरेंस निकालना है, बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ओके। सो यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई होंगी, जो भी सही भी हुई होंगी तो क्या है, अपन इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहे हैं और साइंस में स्पेलिंग मिस्टेक्स चलती है, जायज है। सो हम निकालना क्या चाहते हैं, इन दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितनी असल, यही निकालना चाहते हैं ना। अब यहाँ हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इक्वल लिख लिया मैंने गलती से, सॉरी, यहाँ माइनस आना चाहिए। अब हम यहाँ के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ, सॉरी, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये भाई साहब हमको पता करना है। अच्छा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, वन, इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस सेकेंड का मैग्नीट्यूड वन का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट का मैग्नीट्यूड वन, सेकेंड का मैग्नीट्यूड वन, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब कॉस थीटा पता चल रहा है तो आंसर आ ही गया, कॉस थीटा कितना होगा, 90, क्या बात है, बहुत सही। आपको कैसे पता 90 है, इस इक्वेशन से पता, ठीक है जी, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ओके। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाले, मुझे यहाँ ये नहीं लिखना चाहिए, ठीक है जी, उसका मैग्नीट्यूड सी बार के बराबर है, तो यहाँ सी बार रिजल्टेंट वेक्टर है। चलिए जी, इसके मैग्नीट्यूड को हम मान लेते हैं आर, आर किसका मैग्नीट्यूड है, ए कैप प्लस बी कैप का, और ये मैग्नीट्यूड बराबर है सी बार के। देखो ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये वेक्टर इक्वेशन है, इसमें हमेशा ए प्लस बी इक्वल टू सी नहीं होगा, सिर्फ उस वक्त होगा जब एंगल जीरो हो, इसलिए आप उनको सेम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या कंसिडर नहीं कर सकते। हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस सेकंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ वन इंटू कॉस ऑफ थीटा। और उसने कहा है कि यहाँ ऐड करने के बाद एक तीसरा वेक्टर मिल रहा है जो यूनिट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन, क्या ये समझा, ठीक है जी। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो वन का स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर वन प्लस वन स्क्वायर वन, टू वन जर टू, टू वन जर टू, तो टू कॉस ऑफ थीटा, वन का स्क्वायर होता है वन, वन इक्वल टू 2 प्लस 2 cos ऑफ थीटा। मैं इसको मुश्किल भी कर सकता हूँ लेकिन ऐसा निकल रहा हूँ, 2 इस तरफ आ गया तो सबा क्या बना, 2 इस तरफ आया तो माइनस 2 इक्वल टू 2 cos ऑफ थीटा, 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 cos ऑफ थीटा, सो cos ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस वाला 1/2, cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2, cos थीटा माइनस 1/2 कब आता है, जब एंगल 0 90 के बीच में हो, 90 180 के बीच में हो, 90 से बड़ा होगा छोटा होगा एंगल, cos नेगेटिव चल रहा है, 90 से बड़ा होना चाहिए, तो 120 देखते हैं टैली करके, cos ऑफ 120, cos ऑफ 120 को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 प्लस 30, मतलब cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन बी। कॉस 90 कितना,
जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो, साइन 91, साइन 30 होता है 1/2, मतलब आंसर आएगा -1/2। तो थीटा की वैल्यू हमको मिल गई 120 डिग्री, क्या बात है, थीटा की वैल्यू। अब थीटा यहाँ रख दो, वैसे जरूरत ही नहीं थी थीटा कैलकुलेट करने की, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 × 1, 1 = 1, cos थीटा कितना -1/2, वही चीज, तो यहाँ -1/2 लिख लेते हैं सिंपली, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2, 2 को कैंसिल कर लेंगे +1, मतलब √3। तो उनके डिफरेंस ये क्या निकाल रहे हैं हम, वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, है ना। सो यही हमको निकालना था, तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट वन। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमने थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीखी, तो आ गया सबको ये अच्छे से।